देवास जिले की बागली में अवैध तरीके से महुआ के शराब बनाने वाले माफियाओं के विरुद्ध आबकारी विभाग के संयुक्त दल देवास जिले के बागली में अवैध तरीके से महुआ से शराब बनाने वाले माफियाओं के विरुद्ध आबकारी विभाग के संयुक्त दल द्वारा वृत्त अवैध रूप से महुआ में बनाने वाले शराब के निर्माण संग्रहण परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसमें आबकारी की टीम ने आबकारी अधिनियम के तहत 13 प्रकरण पंजीबद्ध किए। उक्त कार्यवाही में 170 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 5,500 लीटर महुआ लहान बरामद किया। बागली के ग्राम गुरादिया कला, कामट रामपुरा, गांधी कॉलोनी बागली और कई स्थानों पर महुआ लहान के मौके पर सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया गया। बरामद सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 3,09,000 रुपए है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। सर आज का क्या मामला है? आज दिनांक को हमारे कलेक्टर साहब श्री पांडे साहब एवं हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री सांगर साहब के निर्देशन में जो अवैध शराब के निर्माण एवं संग्रहण के विरुद्ध जो लोग अवैध शराब का निर्माण करते संग्रह करते उनके विरुद्ध आज संयुक्त दल द्वारा बागली क्षेत्र के गुराड़िया कला, गामट, स्थानीय क्षेत्र बागली, पुंजापुरा, बोरपड़ाव, रातातले आदि क्षेत्रों में कार्रवाई की गई, जिसमें हमने 13 प्रकरण पंजीबद्ध किए, जिसमें 9 प्रकरण ज्ञात एवं 4 प्रकरण अज्ञात में दर्ज किए गए। इस कार्रवाई में कुल 170 लीटर हथभट्टी मदिरा एवं 5,500 लीटर महुआ लान बरामद किया गया। उक्त कार्रवाई में जो सामग्री बरामद किए गए उसका बाजार मूल्य लगभग 3,09,000 रुपए है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।